हेलो एवरीवन, आई एम मुस्कान खंडेलवाल और आज हम इस वीडियो में हम देखेंगे कि टॉप एमबीए कॉलेजेस इंडिया के अंदर जो एमबीए कराता है, कौन कौन से बेस्ट 20 स्कूल्स हैं जिसकी बहुत ही कम फीस में और बहुत ही अच्छी प्लेसमेंट देते हुए कौन से ऐसे कॉलेजेस हैं जो कराते हैं एमबीए। ऑल्सो काफी लोग काफी बॉदर करते हैं कि लोन एंड ऑल की प्रॉब्लम होती है कि लोन वगैरह लेना पड़े, बट इन फीस इन कॉलेजेस के बारे में जो मैं आपको बताने वाली हूँ अभी, वो कुछ ऐसे कॉलेजेस हैं जो कि जिसकी फीस काफी कम है तो आपको लोन लेने की ऑलमोस्ट जरूरत नहीं पड़ेगी। So let's start with the video. In case you guys are preparing for MBA entrance exam, then this is the platform from where you can get proper advice, how to crack the exam, or the best guidance from the teachers. There are good faculties in this platform. The platform is GradeUp. You can get the link in the description box. Do download it. And also, they are having some special offers. Along with that, we college tutor are giving you an additional offer of 5%. So hurry up to avail this discount. The code for that is college60, which is college60. Starting with the one and the best college, जो कि हमारे MBA में top 5 या top 10 colleges में हमेशा इसका नाम होता है, which is Faculty of Management Studies, which is in FMS. ये जो college है एकदम first list में आता है अगर हम ROI के terms में अगर बात करें तो it's best college in terms of ROI. FMS की अगर मैं बात करूँ तो ये दिल्ली के अंदर located है. इसके फीस स्ट्रक्चर अराउंड 2 लाख फीस इसकी है. यहाँ पे भी कैट एग्जाम कंडक्ट करता है ये FMS. कट ऑफ जो इसके अराउंड अराउंड जाती है वो हाई डिमांड करता है, ये 98% का अराउंड डिमांड करता है, 98.60%. तो 98 प्लस वाले को ही मतलब यहाँ पे एडमिशन मिलने की पॉसिबिलिटी होती है. एवरेज पैकेज जो यहाँ पे है वो है 25.6 लाख, तो इट्स लाइक अराउंड 25-26 लाख इसकी एवरेज पैकेज जाती है, जो कि काफी ज्यादा अच्छी है. तो ROI के टर्म्स में ये कॉलेज बेस्ट MBA कॉलेज माना जाता है. देन वी हैव जवाहरलाल बजाज इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, जिसको हम JBIMS के नाम से जानते हैं. ये महाराष्ट्र में है, CEO फैक्ट्री के नाम से भी जाना जाता है, जस्ट बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे जो इसके जो एल्यूमिनाई हैं वो सारे के सारे यहाँ के CEO ही बने हैं, तो इसलिए इसको CEO फैक्ट्री भी कहा जाता है. फीस स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ की जो फीस है वो 6 लाख अराउंड है. कट ऑफ जो जहाँ पे जाती है लाइक 99.94% है, और यहाँ पे भी CET एग्जाम कंडक्ट किया जाता है. एवरेज पैकेज जो यहाँ पे है वो 22 लाख है. एग्जाम जो यहाँ पे कंडक्ट किया जाता है वो है MHCET, महाराष्ट्र CET, और CMAT भी यहाँ पे कंडक्ट किया जाता है. बेसिकली यहाँ पे जो महाराष्ट्र के जो स्टूडेंट्स होते हैं, महाराष्ट्र जो महाराष्ट्र में रहते हैं उन लोगों को थोड़ा कोटा होता है उनका, और बाकी लोगों के लिए काफी ज्यादा हाई डिमांड की जाती है कट ऑफ के टर्म्स में. देन वी हैव टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस, जिसको हम टेस्ट नाम से भी जानते हैं. ये जो कॉलेज है ये MBA तो नहीं कराता है, यहाँ पे ये MA के नाम से जाना जाता है, MA कराता है ये. MA इन HR होता है बेसिकली, मतलब और भी बहुत सारी फील्ड्स में MA कराते हैं, बट यहाँ पे जो हम मेन जो बात करेंगे वो MA इन HR की बात करेंगे, जो कि बहुत ही ज्यादा मोस्ट पॉपुलर कोर्सेज यहाँ का है टेस का. देखोगे टॉप इंस्टीट्यूट इंडिया के अंदर कौन से है फॉर HR के लिए, तो यहाँ पे दो ही, मतलब इसका नाम जो फर्स्ट हमारा एक्सेलराइज जमशेदपुर है और सेकंड में यही नाम आता है टेस. तो ये काफी अच्छा कॉलेज है और ये भी मुंबई में हमारे लोकेटेड है. इसकी फीस जो है वो 2 लाख है अराउंड, ऑलमोस्ट इंक्लूड करता है ये हॉस्टल चार्जेस एंड ऑल. कट ऑफ यहाँ की 73 है और एवरेज पैकेज इज लाइक 21.25 लाख. एग्जाम जो ये कंडक्ट करता है वो है टेस्ट नैट, अपना खुद का एग्जाम ये कंडक्ट करते हैं. डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टडीज, जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर आते हैं, जिसको हम DFS के नाम से भी जानते हैं. ओके, इसकी जो कोर्स फीस है वो इट्स लाइक 25,000 ही फीस है, ज्यादा फीस बिल्कुल भी नहीं है इसकी. एवरेज प्लेसमेंट पैकेज जो यहाँ पे लगता है वो 10-12 लाख का आराम से यहाँ पे लग जाता है. यहाँ पे जो एग्जाम होते हैं यहाँ पे भी कैट ही एग्जाम कंडक्ट किया जाता है, और कैट की ये परसेंटाइल जो परसेंटाइल को डिमांड करता है इट्स लाइक 95+ ही डिमांड करेगा, 95-96 यहाँ के कैट की परसेंटाइल जाती है. मैंने एक और वीडियो बनाई हुई है टॉप MBA कॉलेजेस की, जिसके अंदर मैंने बहुत क्लियरली मेंशन किया है कट ऑफ्स एंड ऑल के बारे में, तो इफ यू वांट एनी मोर फर्दर इन्फॉर्मेशन तो आप वहाँ पे वो वीडियो देख सकते हैं. देन वी हैव दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, जो कि DSE, ये भी अगेन दिल्ली यूनिवर्सिटी का ही पार्ट है और ये DU में मतलब दिल्ली में लोकेटेड है. कोर्स फीस जो यहाँ पे है इट्स लाइक अराउंड 40,000 इसकी फीस है. एवरेज प्लेसमेंट पैकेज जो यहाँ पे जाता है वो भी 10 लाख पर एनम का जाता है. एग्जाम यहाँ पे भी कैट कंडक्ट किया जाता है एंड लोकेशन इज अगेन दिल्ली, और इसकी जो कट ऑफ है वो भी 94-96% जाती है, और थोड़ा बहुत चेंज आता है जस्ट डिपेंडिंग अपॉन दी कि कैसा एग्जाम्स वगैरह गए हैं, तो स्टूडेंट्स किस तरीके थे किस उस पर, तो बाकी जो उसकी कट ऑफ होती है वो अराउंड 94-96 ही होती है. IIT बॉम्बे, जिसको हम सैलाश जे मेहता स्कूल ऑफ मैनेजमेंट के नाम से भी जानते हैं, अगेन ये लोकेटेड जो है ये मुंबई ही में ही लोकेटेड है, और इसकी जो कोर्स फीस है ये 10 लाख है, और एवरेज प्लेसमेंट पैकेज जो है इसका 20 लाख पर आने में, तो ROI के टर्म्स में इट्स गुड. एग्जाम यहाँ पे अगेन CCAT ही कंडक्ट किया जाता है, और इसकी परसेंटाइज जो जाती है इट्स लाइक 95-96 प्लस ही जाती है. तो
ROI terms, it's a very good college. Then we have IIT Delhi, Department of Management Studies. अगेन ये कुछ कॉलेजेस ऐसे होते हैं जिसको हमें टारगेट करना चाहिए. आई आई टी दिल्ली, आई आई टी बॉम्बे. आई आई टी दिल्ली बॉम्बे के बीच में इसके कॉम्पिटिशन लाइक कट ऑफ का बीच में जो सेम सा है, दोनों के बीच में काफी कॉम्पिटिशन होता है. सो इसकी लोकेशन दिल्ली में, ऑब्वियसली आई आई टी दिल्ली है तो इसकी लोकेशन दिल्ली है. और इसकी कोर्स फीस इज लाइक अराउंड 9.6 लाख, तो 9 से 10 लाख इसकी फीस होती है. और एवरेज प्लेसमेंट पैकेज जो यहाँ पे जाते हैं वो 18 लाख पर एनम का आराम से जाता ही जाता है. एग्जाम ये जो कंडक्ट करते हैं वो अगेन कैट एग्जाम कंडक्ट करते हैं. यहाँ पे भी जो कट ऑफ जाती है वो 95+ आराम से जाती है, बट आप मान के चलिए कि 98+ ही अगर होगी तो आपको बहुत इजीली एडमिशन मिल जाएगा. बोलते तो 95 ही है बट आप मान के चलिए कि 98 तक कट ऑफ है इसकी, 98+ वाली. देन वी हैव सिंडम इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज रिसर्च एंड एंटरप्रेन्योरशिप एजुकेशन, जिसको हम सिम्सरी के नाम से भी जानते हैं, SIMSREE. इसकी जो लोकेशन है अगेन ये भी मुंबई में ही लोकेटेड है. इसकी फीस अराउंड 2 लाख है. कट ऑफ इसकी जो जाती है 99.2 to 99.5% जाती है. सीईटी एग्जाम कंडक्ट किया जाता है. ये महाराष्ट्र अपना खुद का एग्जाम कंडक्ट करता है. एमएएच, सीईटी या फिर कैट भी और सीमैट से भी अराउंड है. एवरेज पैकेज जो इसका जाता है इट्स लाइक 11 लाख इसका पैकेज है. देन वी हैव ये आईआईटी खड़गपुर, जिसको हम विनोद गुप्ता स्कूल ऑफ मैनेजमेंट के नाम से भी जानते हैं. फीस इसकी लोकेशन बता चुकी हूँ मैं, खड़गपुर मतलब वेस्ट बंगाल में इसकी लोकेशन है. फीस इसकी अराउंड 10 लाख है. एवरेज पैकेज जो यहाँ पे जाते हैं वो 18 लाख है. तो काफी डिसेंट कॉलेज है, काफी अच्छा कॉलेज है, नॉट अ बैड कॉलेज एंड इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल कॉलेज. एग्जाम जो यहाँ पे वो कैट कंडक्ट होता है, मैं बता चुकी हूँ. तो ये इसके बारे में था आईआईटी खड़गपुर के बारे में. देन वी हैव एसआरसीसी दिल्ली, वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज फॉर दी ग्रेजुएशन के लिए, टॉप कॉलेज में माना जाता है. बीकॉम ऑनर्स, इकोनॉमिक्स ऑनर्स, ये कुछ कोर्सेज है जो ये बहुत अच्छे ग्रेजुएशन लेवल पे माना जाता है. और अगर मैं मास्टर्स लेवल की बात करूँ तो यहाँ पे ग्लोबल बिजनेस ऑपरेशन GBO के नाम से एक कोर्स कराया जाता है. इसका सिलेबस भी मतलब एक सिमिलर है जैसे IIFT का सिलेबस होता है, उसी की जैसे सिमिलर है. लाइक इसमें हम इम्पोर्ट एक्सपोर्ट की बात करते हैं और इंटरनेशनल बिजनेस, इकोनॉमिक पॉलिसीज कैसी है, ये सब चीजें यहाँ पे ये इस कोर्स में हम पढ़ते हैं. GBO जो है, फीस जो इसकी है अराउंड 3.2 लाख है, नॉट बैड. कट ऑफ जो जाती है 424 मार्क्स अराउंड गई थी लास्ट ईयर. एवरेज पैकेज इज 9.4 लाख. तो नॉट अ बैड, मतलब काफी अच्छा कॉलेज है, रेप्यूटेड कॉलेज है, फेम है इसकी, खुद का एक ब्रांड नेम है. और एग्जाम मैं आपको बता चुकी हूँ SRCC का GBO एग्जाम कंडक्ट करता है, तो गुड कॉलेज है. नेक्स्ट वी हैव यूनिवर्सिटी बिजनेस स्कूल विच इज UBS. इसकी लोकेशन जो है चंडीगढ़ में, ये पंजाब यूनिवर्सिटी का कॉलेज है. इसमें जो फीस है वो 50,000 है. कट ऑफ जो है लाइक 75 to 80% आराम से चली जाती है. कैट सेट दोनों कंडक्ट करते हैं. एवरेज पैकेज इज 9.5 लाख. तो इट्स एक्चुअली मतलब 50,000 फीस में आपका पैकेज आराम से 9-10 लाख का लग रहा है. तो नॉट अ बैड थिंग, काफी सही है. एग्जाम अगेन यहाँ पे कैट कंडक्ट, तो इट्स ऑल्सो अ वेरी डिसेंट कॉलेज. आई होप सो कि आपको ये वीडियो काफी यूजफुल लगे, मे बी आपको हेल्प करे कि आपको कौन सा कॉलेज चूज करना है ऑल. और कोई भी अगर इन्फॉर्मेशन, अगर आपको कोई भी पॉइंट अगर नहीं समझ आया या कुछ पूछना है तो डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन. एंड या थैंक यू सो मच एंड डू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल.